हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को राम राम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं घर में अकेला हूँ, मुझे भूख लग रही है। ऐसे आप लोग भी घर में, बहुत से लोग होते हैं जो अकेले होते हैं, उन्हें भी भूख लगती है, तो सोचते हैं घर में ऐसी क्या चीज़ बनाएं जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट हो। आजकल सभी लोग बिरयानी तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं, मगर हमने यहाँ पर कुछ बिरयानी ही समझो मगर फ्राइड राइस बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी। देखिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं और आप लोग वीडियो पूरी देखें और स्टेप बाय स्टेप देखें, जिससे कि आपको बिरयानी बनाने में आसानी रहे और आप भी अपने घर में बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाने का आनंद ले सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने दो प्याज लिए हैं और दो टमाटर लिए हैं और 3 से 4 पत्ते तेज़पात के लिए हैं और जीरा लिया है और हमने कुछ खड़ा मसाला भी लिया हुआ है। और इन सब मसाले को हम आपके सामने देखो स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से इनको यूज में लेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज को बारीक बारीक करके काटेंगे। प्याज को बहुत बारीक करके काट लेंगे और प्याज हमारा कट ही चुका है, कुल मिला के एक प्याज तो कट ही चुका है। और यहाँ पर हम, अब प्याज हमारी कट गई, अब टमाटर को काट लेंगे बारीक बारीक। टमाटर को छोटे छोटे पीसों में काटेंगे, जिससे कि टमाटर को गलने में आसानी रहे। और हमारा देखो टमाटर भी कुल मिला के कट ही चुके हैं। और अब देखिए हमारे सभी चीज़ें तैयार हैं, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अब हम चलते हैं गैस के पास। यहाँ पर हमने एक गिलास चावल लिया है और इस चावल को हमने एक जार में एकत्र करके इसे हम पानी में डुबो के रख देंगे कुछ समय के लिए। हमने इसमें पानी मिला लिया है और अब हम इसको धो भी लेंगे। धोने के बाद इसको हमने पानी डालकर रख दिया है। और हम दो लाल मिर्च लेना भूल गए थे, जो दो लाल मिर्च भी हमें लेनी है। और तेल को हमने हल्की गर्म आंच पे रख दिया है। तेल में हमने पहले, सबसे पहले खड़ा मसाला डाला था, उसके बाद हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। फिर इसको हल्की आंच पे इसको चलाएंगे। उसके बाद हमारा खड़ा मसाला भी भुन चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। और इसमें हमने प्याज भी डाल दिया है, इसको हम अच्छे से चला लेंगे। और हमें प्याज को इतना भूनना है कि जब तक हमारा पूरा प्याज है जो ब्राउन ना हो जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा प्याज हल्का हल्का भी ब्राउन होने लगा है और हमारा प्याज देखो, ये देखो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर को डालेंगे। और टमाटर के ऊपर हम इसको अच्छे से चलाएंगे और ऊपर से इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आपको उसी मात्रा में डालना है जैसा कि आपको, तेज खाने के इच्छुक है तो तेज, हल्का तो हल्का, जैसा आप खाना चाहें, ये स्वाद अनुसार ही डलेगा। इसको अच्छे से चलाएंगे हम। टमाटर के ऊपर नमक हमने इसलिए तो डाला है जिससे कि टमाटर हमारे आसानी से गल सकें, ये पक जाए। देखो यहाँ पर टमाटर भी गल चुके हैं, देखो टमाटर आराम से गल चुके हैं।
टमाटर गलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चावल जो हमने पानी में डब करके रखे हुए थे। और चावल में हम पानी उतना ही डालेंगे जितना कि हमारे चावल सही तरीके से आसानी से गल जाएं। और अगर आपको ज़्यादा गीले चावल खाने की शौकीन है तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, मगर पानी उतना ही डालें जितने कि हमारे चावल इसमें सही तरीके से खड़े रहें। चावल कोई सा भी ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है यह मैंने बासमती का चावल ले रखा है भाई। बनाने का तरीका ठीक होना चाहिए, स्वाद तो अपने आप ही आ जाता है। और इसको हमने अब यहाँ पर हाई फ्लेम पे रखेंगे। और हम एक बात का ध्यान रखना है, हमें इसमें एक सीटी लगानी है और एक सीटी लग चुकी है। और ये देखो चावल तैयार हो गए हमारे फ्राइड राइस। भाई साहब इसमें अगर हम कलर भी डाल देंगे तो आपको यही कहोगे हाँ भाई बिरयानी वाले क्या बिरयानी बनी है। मगर आप अगर आप एक बार घर में फ्राइड राइस बनाकर खाएंगे, यकीन मानो आप बाहर की बिरयानी खाना भूल जाएंगे। इतना टेस्टी खाना जो आप घर पे बना के खा सकते हैं और इतने कम समय में, ये देखो। और अब देखो मैं खा के देखता हूँ कैसा बना हुआ है। भाई साहब मज़ा आ गया, ये समझो कि मेरे पैसे तो वसूल हो गए रियली। वाओ इतना टेस्टी खाना तो बिरयानी में भी नहीं होगा। थैंक यू, नमस्कार, राम राम भाइयों।